हाय गाइस एंड वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी होम रेमेडी जो कि आपके चेहरे की जितनी भी झुर्रियाँ हैं, काले दाग धब्बे हैं, काले निशान हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, या आपके फेस पे किसी तरीके का ग्लो नहीं है, आपका फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, तो आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग बनाएगा। साथ ही साथ अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं, आपकी स्किन टाइट नहीं है, लूज़ हो गई है, तो आपके फेस को टाइट और आपके फेस को जवान भी बनाएगा। तो फ्रेंड, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो Let's get started। पहले हमें लेना है फ्लैक्स सीड जेल, यानी कि अलसी के बीज का जेल। अलसी के बीज के जेल कैसे बनाते हैं आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही आसान होता है बनाना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा काम करता है हमारे फेस की झुर्रियों, काले दाग धब्बे और पिंपल्स के लिए। और पिंपल्स के निशान होते हैं हमारे फेस पे, काले दाग धब्बे होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं, उसे हटा के हमारे चेहरे को बहुत ही ज़्यादा यंग लुक देता है और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा टाइट और गोरा बनाता है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर लगभग 1 टेबल स्पून लिया है फ्लैक्सीड जेल। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें किसी तरीके की खुशबू वगैरह नहीं होती है, बट ये बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स हमारे बालों के लिए और हमारे स्किन के लिए। पर आज हम बना रहे हैं एंटी एजिंग जेल, एंटी रिंकल जेल या ग्लो सीरम। अगर आपके फेस पे किसी तरीके के रिंकल्स नहीं हैं, अगर आपको अपने फेस पे ग्लो चाहिए, तब भी आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, क्योंकि मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून अलसी का बीज, और फ्रेंड मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून आलमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। बादाम का तेल विटामिन ई रिच होता है, जो कि हमारे चेहरे की जितनी भी झुर्रियाँ होती हैं उन्हें हटा के हमारे चेहरे को टाइट बनाता है और काले दाग धब्बों को भी रिमूव करता है, और साथ ही साथ बहुत ही चेहरे को ग्लोइंग बनाता है, चमकदार बनाता है। और फ्रेंड मैं यहाँ डालूंगी 2 कैप्सूल विटामिन ई के, ऑप्शनल है। अगर आप विटामिन ई की कैप्सूल डाल रहे हैं तो आलमंड ऑयल स्किप कर दें, और अगर आप आलमंड ऑयल डाल रहे हैं तो विटामिन ई स्किप कर दें। तो दोनों में से एक डाल सकते हैं या दोनों ही डाल सकते हैं, इट्स योर चॉइस, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं तो ये हमारे चेहरे को हार्म नहीं करेगी। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1 टीस्पून आलमंड ऑयल। आप इस जेल को 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और आप इसमें चाहें तो कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। ये ऑरेंज एंड लेमन एसेंशियल ऑयल है फ्रेंड्स, इसकी आप 4 to 5 ड्रॉप्स डालेंगे। अगर आप होममेड, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था होममेड ऑरेंज एंड एसेंशियल ऑयल, अगर आपने बनाया हुआ है तो आप वो लगभग 1 टीस्पून डाल सकते हैं। तो मैं इस पर डालूंगी 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ ऑरेंज एंड लेमन ऑयल। आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये फ्रेंड्स, आप कैसे बनाते हैं फ्लैक्सीड जेल आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। और फ्रेंड, ये उस वीडियो में मैंने और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं। मैंने हेयर के बेनिफिट्स बताए कि हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है, हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, और मैंने और भी इसके बेनिफिट्स बताए हैं कि स्किन के लिए, बालों के लिए, पिंपल के लिए, एंटी एजिंग का काम करता है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने फ्लैक्सीड जेल प्रॉपरली कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप सबसे पहले देख पाएं। सो मैं आपसे मिलूंगी किसी नई होम रेमेडी, नए DIY या नए किसी स्किन केयर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।